डेली पोस्ट पंजाबी दे दर्शकों का स्वागत है। जिवें कि कई दिन तो लगातार जे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स नूं लैके जिहड़े मापे ने ओह विरोध भी कर रहे हैं कि आखिरकार फीसां क्यों मंगिया जा रही ने। सरकार ने तुहानूं दस दिए कि दो नोटिफिकेशन किए ने जिहदे विच इक कि तुसीं बच्चों तो ट्यूशन फीस तो अलावा होर कोई खर्चा नहीं लै सकते, जे कोई बच्चा फीस नहीं भरता तो तुसीं उहदा नाम भी नहीं कट सकते। यह फैसला लिता तो दूसरा फैसला यह सीगा कि जिहड़ा नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उसनों भी तुसी जिहड़ी सैलरी आ वह पूरी दोगे सैलरी। तो ये जे देखा जाए तो स्कूलों वालों लगातार विरोध कितने कितने दिखाया गया सीगा कि जो सानू पैसा आना नहीं तो असं देवे कितों पैसा। वो भी सी है कि जो टीचर स्टाफ है उन्होंने तुसी पूरी सैलरी दोगे, वो किसी तरह की सैलरी कटौती नहीं करोगे। पर पंजाब के जोड़े प्राइवेट स्कूल ने हूँ वह हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। 3000 के करीब जोड़े प्राइवेट तो अनएडिड स्कूल ने गए उन्होंने वालों हूँ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, जिदे वकील दस रहे हैं कि जिस तरह के नाल स्कूलों के उत्ते फैसला जोड़ा कि दिता गया तो उस कितने कितने उन्होंने नामंजूर है। एडमिनिस्ट्रेशन भी लोकल लेवल पर यह गल कह रही ने कि तुम फीसा ना लो या जोड़ा उत्थे का स्टाफ उन्होंने पैसे दो। तो यह सारी चीज़ में हाई कोर्ट के हम चैलेंज किया जिन्हों लैके तुम सुनो कि आखिरकार प्राइवेट स्कूलों के वकील की कहते हैं कि तर्क उन्होंने हाई कोर्ट के अगे रखे ने कि आखिरकार किस तरह के नाल जोड़े प्राइवेट स्कूल ने वह फीसा की मांग कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी की मजबूरी है जी हाई कोर्ट के अगे रखी है। अज जो केस किया गया साड़ी वालों 3000 स्कूल्स ये रिप्रजेंट हुए हैं और पंजाब के सारे स्कूल जोड़े कई डिस्ट्रिक्ट है सारे का एक कॉमन मुद्दा सगा वह मुद्दा यह कि जोड़े दो नोटिफिकेशन स्टेट ऑफ पंजाब ने इशू किए हैं उदेच कहा गया है कि भी जेडे प्राइवेट अनएडिड स्कूल्स है वो एडमिशन फीस और जेडी फीस है वो सारी वेव ऑफ करेंगे जब तक नॉर्मलसी नहीं आती और जिन्ना स्टाफ है उन्होंने पूरी सैलरी देंगे। सो ये दोनों नोटिफिकेशन चैलेंज हुई ने अज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और एक इंटरिम ऑर्डर पास किया हाई कोर्ट ने जिदे कहा गया है कि भी 70% जी फीस है आप ले सकते हैं स्कूल वाले जी टोटल फीस हैगी विच इनकलूड्स ट्यूशन फी ऑलसो एंड 70% सैलरी जी स्टाफ नूं है वो आप देवे पूरी सैलरी नहीं देवे। और उदे अलावा एक मुद्दा रेज किया गया कि बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन विच हैव बीन पास्ड उदे नाल स्कूलों का घिराव हो रहा है और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ स्कूल्स नूं तंग कर रही है कि भी बच्चों तुसीं बिल्कुल ही माफ़ी दो फीस की तो उन्होंने खिलाफ़ कोई जरा स्कूलों के खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन ना लिता जाए कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिता जाए एक अगर वो इंटरिम ऑर्डर की पालना करते हैं। नाल यह भी कहा गया है कि पंजाब सरकार कोई लैजिस्लेटिव पावर नहीं हैगी कि वो ये ब्लैंकेट ऑर्डर प्राइवेट अनएडिड स्कूल्स नूं करन जो कोई भी स्कूल किसी भी तरीके का फाइनैंशियल एड पंजाब सरकार तो नहीं लैंदा। तो हाईकोर्ट ने ये नोटिस ऑफ मोशन किया है, नोटिस ऑफ मोशन करके 12 जून की अगली डेट रखी है अगली बहस सुन। तुम देखा कि जिस तरह के नाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जोड़े वकील ने पुनीत बाली उन्होंने दसिया कि किस तरह के नाल जो एक पूरा मामला है हूँ मानयोग अदालत के मूहरे रखा गया है। देखना होगा कि आखिरकार इस दे बाद जो तो पूरी सुनवाई होनी है क्योंकि 12 जून अगली तरीक रखी गई है उदों सारे पक्ष रखे जाने है ने, सरकार वालों भी पक्ष रखा जाएगा कि आखिर किन चीज़ों देखा गया है। तो कह सकते हैं कि हूँ देखना हो कि मानयोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट किस तरह का फैसला अगे सुनाएगा। कह जा सकता है कि हूँ मापियां भी देखना होगा क्योंकि यह मामला हूँ न्यायालय के विच पहुँच चुका है तो अदालत आखिरकार किन्ना चीज़ों की सुनवाई करते हुए किन्ना चीज़ों सही मनेगी वो वास्ते थोड़ा इंतजार करना होगा। मानयोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दा ही रुख हूँ आखिर तौर पर देखा जाएगा कि किस कदर जिहड़ा कि स्कूल अपनी गल रखते हैं तो सरकार अपनी गल रखती है कि बाद च हक च जाती हुई नज़र आऊ। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के नाम सुमित जोशी, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़। सत श्री अकाल। जे तुसी कैनेडा स्टूडेंट वीजे ते जाना चाहते हो पर आइल्स विच ओवरऑल तो 6 आ गए, एक विच 5.5 बैंड करके डरते हो जां कैनेडा दा स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज़ करवा बैठे हो या स्टडी गैप ज़्यादा होने करके सोचते हो कि कितने रिफ्यूजल ना आ जाए तो अज ही पिरामिड ई सर्विसिज़ नूं मिलो और कैनेडा जाने अपने सुपने नूं साकार करो।